सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 7 बज रहे हैं और हम जस्ट ऐसे एक्सप्लोर करने निकले थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लो फील हो रहा था। मतलब ऐसे तबीयत नहीं खराब है बट थोड़ा घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सौरभ भी जल्दी आ गए थे शिफ्ट से, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो शायद थोड़ा अच्छा लगे। तो अभी हम बाहर निकले तो मुझे सच में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेशन अप फील हो रहा है। मैं ये चीज आपको बता रही हूँ, अभी हुआ क्या कि हमने आशुत को बिठा दिया था पीछे क्योंकि वहां स्पेस रहता है तो आराम से वहां पे खेलता रहता है, लेकिन ये इसने ना रोना स्टार्ट कर दिया। अभी गाड़ी हमने रोकी यहाँ पे तो इसने रोना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने बोला कि आश्वत आ जाओ आपको बेटू ब्लॉग में लेते हैं तो इन भाई साहब का रोना एकदम बंद हो गया है। समझते हैं ये भी समझता है कि कब रोना है कब नहीं रोना है। बेटू आप रो रहे थे अभी, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं रो रहे? कैमरे के लिए तो आप एकदम शांत बच्चे बन गए हो ना, है ना? ये देखिए ये आंसू आंसू गिरा एक आंसू, ओली ओली एक आंसू ऐसे गिर गया था। अभी मैंने अपने ग्लासेस चेंज किए हैं और जब ये मैं ले रही थी ये ग्लासेस मैं खरीद रही थी तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बट सडनली मुझे ऐसा लग रहा है अभी जब मैंने वीडियो ऑन किया तो मुझे थोड़ा सा बड़े बड़े लग रहे हैं ग्लासेस। बड़े है क्या थोड़ा, एक्चुअली थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फेस पे बड़े लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे क्या? You need to close the lights. Switch off the lights. Switch off the lights. No, wait. हाँ थोड़ा बड़े लग रहे हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ग्लासेस मैंने बड़े ले लिए हैं क्या? हाँ। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मतलब सौरभ की तरह से तो ये पूरा इतना बुरा रिएक्शन आ रहा है इस ग्लासेस के लिए जब से मैंने ये लिए हुए हैं। चेंज लिया था क्योंकि मैं एक ही टाइप की ग्लासेस लगा के बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा ये थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज लगेगा, बट अभी पता नहीं कैसा लग रहा है। मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ अभी, बार बार मैं वही देख रही हूँ, पूरे फेस में मुझे अपने स्पेक्ट से दिख रहे हैं। हम अभी रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आशी तू कुछ बोलना चाहोगे? इधर देखो बिट्टू, सामने देखो कैमरे में। ओ माय गॉड आप कहाँ देख रहे हो? नहीं ना? हो गया आपका? हम बाप करता है। नो, से हाय टू एवरीवन, कम ऑन, से हाय, से गुड इवनिंग टू एवरीवन। रहे हैं नागपुर की खाऊ गली में। यहाँ पे आपको एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स मिल जाएंगे, चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी आपको खाना। मामा भांजा चाइनीज भी है, श्रीनाथ पाव भी बहुत फेमस है। श्रीनाथ ये नाम जिसकी पाव भाजी देखो इसी नाम से रहती है। और ये आ गए हैं हम राइस चाय वाला, तो सबसे पहले पियेंगे चाय, राइस चाय वाला। चाय वाला है तो चाय तो होगी ना। चाय और ये लो आपकी चाय लीजिए मिस्टर हस्बैंड। आशी तो आपको कुछ चाहिए? चाबी यहाँ वहाँ कर लो तुम। कल चाहिए बेटू आपको? नहीं चाय नहीं, चाय के अलावा और कुछ चाहिए? चाय अच्छा नहीं है ना आपके लिए? चाय इज नॉट गुड फॉर यू बेटू। आशितो ड्राइविंग कर रहे, ले चलोगे घर पहुंचा दोगे आज? हाँ कैसा ड्राइवर है छोटू सा हमारा, कैसा छोटू सा ड्राइवर है, ऐसे कौन चलाता है भाई गाड़ी? भैया क्या कर रहे हैं आप? चलो ऊपर आओ जल्दी, छोटू कहाँ घुस गए, इधर आओ। ऐसे कोई ड्राइविंग होगी? ऐसे होगी, ब्रेक लगाने के लिए इंजन थोड़ी जाना पड़ता है, यहीं से लगाओ। वो लाइट्स ऑन कर रहा है। ओए कुछ नहीं होगा, आज का जो ब्लॉग है वो गाड़ी का ही रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं नीचे उतरने वाली नहीं हूँ कहीं पे, और पूरा ब्लॉग मेरा अंधेरे में जाने वाला है। क्या करे, कभी कभी ऐसे ब्लॉग्स भी डालना इम्पोर्टेंट होता है।
आशिम देखो क्या कर रहा है। चाबी ऑन करके तुमने सब खैर पचर कर दिया, चाबी निकाल। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मेरा चैनल है उसकी राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर और जो भी है, कितने भी जितना भी डिपार्टमेंट होता है, वो अकेले मैं सबसे, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो अब क्यों आ रहे हैं ब्लॉग में, तो सौरभ ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मैं कैमरे में नहीं दिखना चाहिए, मुझे नहीं आना आपके ब्लॉग में, आप अकेले आज ब्लॉगिंग करो। तो मैं बता दूं कि मैं अभी तक अकेले ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप वैसे भी बहुत कम ही आ रहे हैं। ऐसे बीच में क्यों आ रहे थे भैया? मैं आपको देखना चाहता हूँ, कैसा देख रहा हूँ, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज थोड़ा सौरभ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उन्होंने मना कर दिया मुझे, मुझे अकेले ब्लॉगिंग करनी है। आशितु आप मुझे ज्वाइन करना चाहोगे क्या मेरे ब्लॉग्स में? मेरे घर पे आ गया भाई, अस्पताल में क्यों? चाय हमने पी ली है और अभी हम आज ट्राई करने वाले स्ट्रीट फूड। चाय का फूड? स्ट्रीट फूड स्वीट नहीं, स्ट्रीट फूड। तो अभी देखते हैं कि क्या खाते हैं हम। खत्म हो गया स्ट्रीट फूड का, और आपको भी दिखाते हैं। आज तो आजकल बहुत रोने लगे, पता है आपको? क्यों इतना रोते हो? थोड़ा रो के दिखा दो जल्दी से कैमरे में, थोड़ा आंसू बहा दो, दो चार आंसू। किसी को क्या फर्क पड़ता है? जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे रोते हो आप जल्दी से बताओ? रोते का वो गाना ज्यादा गाते हो ना, की डोसा यहाँ मिलने वाला है। अभी क्या मिलेगा यहाँ पे? डोसा ऑर्डर कर दिया है, एक प्लेन डोसा और एक मसाला डोसा। आप क्या कहोगे, प्लेन या मसाला? मैं सिर्फ मसाला खाऊंगा, डोसा नहीं खाऊंगा। अच्छा नहीं लगा आपको? आई थिंक रेस्ट करना चाहिए। आई थिंक है ना आशा? What do you say? डाटा को रेस्ट करना चाहिए, जल्दी बताओ। आप रेस्ट नहीं करते ना, फोन यूज करते थे। ये लो आशा, तो ट्राई करोगे आप? पांडाल माता रानी के, तो इतना प्यारा लग रहा है ऐसे, हर जगह लाइट्स है, हर जगह लाइट्स दिखेंगी आपको। और ये रहा नवरात्र उत्सव चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी बेटा, चलना है मार्केट? चलना है आपको मार्केट? मतलब सिटी में अभी घूमने में इतना मजा आ रहा है ना, हर जगह लाइट्स। डोसा वगैरह खा लिया है, और स्ट्रीट फूड का मतलब मजा ही कुछ अलग होता है। चाहे आप कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, कितने भी फाइव स्टार होटल्स में चले जाएं, बट कुछ चीजें होती है ना जो आपको स्ट्रीट की अच्छी लगती है। तो बहुत ही टेस्टी था मसाला डोसा एंड प्लेट डोसा। निकल रहे हैं हम घर के लिए, और अभी यहाँ पे जगह जगह पांडाल लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर जगह लाइट्स है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। होता है ना कि जब कुछ फेस्टिवल आता है, जैसे दुर्गा जी रखती हैं, गणेश जी रखते हैं, तो एक अलग ही रौनक रहती है सिटी में, बहुत ही अच्छा। मतलब जब भी आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। तो बस अभी कुछ दिन में वो भी निकल जाएंगे, तो फिर से वही सेम सिचुएशन हो जाएगी। बट अभी दिवाली आने वाला है, सबसे बड़ा फेस्टिवल जो हमारा है वो दिवाली, तो तब तक तो अच्छा ही लगेगा। एक्चुअली अभी कंटिन्यू फेस्टिवल चलेगी शायद, अभी दिवाली, फिर उसके बाद क्रिसमस, फिर न्यू ईयर। घर वापस
बस. और आई डोंट नो, मुझे दोपहर से ही थोड़ा सा लो फील हो रहा था, पता नहीं क्या. मतलब पूरा दिन मेरा आज का ऐसे ही गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. और सौरभ भी शिफ्ट पे थे और मैं घर पे अकेली थी, मैं और आश्वत थे, तो पता नहीं कुछ अजीब सा ही लग रहा था. फिर अभी शाम को अभी हम सौरभ जब आए शिफ्ट से, तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगे. और बस अभी आ गए हैं, थोड़ा बहुत घूम लिया है बाहर का माहौल. अभी पूरा वही नवरात्रि वाला, हर जगह माता रानी का पंडाल लगा हुआ है, हर जगह गरबा चल रहा है. मेरा था मन इस बार बहुत ज़्यादा कि मैं गरबा खेलूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तो मैंने गरबा खेला ही नहीं है तब से. तो मेरा इस बार बहुत मन था, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं भी एकदम नहीं जा पाई. मैं प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा पाई. और मुझे ऐसे जाके वैसे खेल तो सकते हैं, बट फिर मैंने नहीं खेला. मतलब मैंने सोचा कि मैं अच्छे से जब प्रॉपर एकदम रेडी वेडी होके गरबे के गेटअप में आके तो ही मैं खेलूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे जाके नहीं खेलने वाली हूँ. तो ये ब्लॉग जस्ट मैंने ऐसे ही शूट कर लिया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था स्पेशल कंटेंट कि मैं आप लोग को दिखाऊँ. तो आजकल क्या हो रहा है ना कि ब्लॉग एक मेरे लिए एक थेरेपी हो गई है. जब भी मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो बस मैं अपना फ़ोन लेके कैमरा ऑन कर लेती हूँ, और मुझे जब मैं ये शूट कर रही होती हूँ ब्लॉग, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है. तो मैंने सोचा कि कभी कभी कुछ ऐसे भी ब्लॉग होने चाहिए. तो मैं अभी ये आप लोग से शेयर करूँगी, और अभी मैं जा रही हूँ ब्लॉग एडिट करने. आपको इन्जॉय करिए, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, और मेरा जो चैनल है अंक एस बघेल, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और साथ में ही आपको बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें. और एक चीज़ और, आपको मेरा ब्लॉग बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखना है. और अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा ब्लॉग इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अभी दिवाली है, करवा चौथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने ज़रूर मिलेंगी. तो बस मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करते रहिए. और अब ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ.